नमस्कार दोस्तों, मैं पंखुरी सिन्हा कोरोना की इस दोपहर में तारीख 22 मई को आपके साथ और आपके लिए पढ़ रही हूँ केदार जी की कुछ कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है सुखी आदमी, और ये जो कविताएं मैं पढ़ रही हूँ अभी, ये उत्तर कबीर एवं अन्य कविताएं नाम के संग्रह से है। सभी कविताएं ये कुछ एक छोटी छोटी उसी संग्रह से। पहली कविता का नाम है आज वह रोया। आज वह रोया यह सोचते हुए कि रोना कितना हास्यास्पद है। आज वह रोया यह सोचते हुए कि रोना कितना हास्यास्पद है। वह रोया, मौसम अच्छा था, धूप खिली हुई, सब ठीक ठाक, सब दुरुस्त, बस खिड़की खोलते ही सलाखों से दिख गया ज़रा सा आसमान, और वह रोया फूट कर नहीं, जैसे जानवर रोता है माद में, वह रोया। कोरोना के लिए लगता है कि लिखी गई कविता है, यानी कि कवि ने उस काल की कल्पना कर ली थी, है ना, उस भयानक भयावह काल की, जबकि हम अपने घरों से निकल नहीं पाते, हमारा काम ख़त्म ही नहीं होता, हम मैट्रिक्स फिल्म की तरह ऑनलाइन या किताबों से घर में लगे होते हैं, काम की जगह जाते हैं, काम की जगह से वापस आते हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी हो गई, और हमारे पास बहुत कम समय होता है खुले आसमान के टुकड़े को देखने के लिए, सारा आकाश दूर की बात है। सुखी आदमी का रोना इस कविता में वर्णित है कि किस तरह वह अपनी सलाखों में बंद है। अब अगली कविता का शीर्षक है जड़ें। केदारनाथ सिंह, जड़ें चमक रही हैं ढेले खुश, घास को पता है चींटियों के प्रजनन का समय करीब आ रहा है। जड़ें चमक रही हैं ढेले खुश, घास को पता है चींटियों के प्रजनन का समय करीब आ रहा है। दिन भर की तपिश के बाद ताज़ा पिसा हुआ गरम गरम आटा एक बूढ़े आदमी के कंधे पर बैठकर लौट रहा है घर। मटमैलापन अब भी झर रहा है, जूझ रहा है, मटमैलापन अब भी जूझ रहा है कि पृथ्वी के विनाश की खबरों के खिलाफ अपने होने की सारी ताकत के साथ सटा रहे पृथ्वी से। ये प्रकृति ही है जो लगातार अपने प्रदूषण से मुक्त हो रही है कोरोना काल में, जबकि इंसान अपनी मोटर गाड़ियों को बाहर नहीं निकाल रहा, खुद भी अपने घरों में बंद है, और अगर ये लैब लीक नहीं है, और है भी तो भी वो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी इन्फेक्टेड चमगादड़ से ही लिया गया है, तो दोनों संभावनाओं में मैं अभी विश्वास रखती हूँ, तो भी ये वायरस तो कहीं ना कहीं प्रकृति से ही आया है ना, मॉडिफाइड म्यूटेटेड। अगली कविता का शीर्षक है खर्राटे, उत्तर कबीर संग्रह से। सोचने का समय है दोस्तों, मनुष्य के साथ आदमी के रिश्ते की बात को बहुत गहराई से सोचने का समय है, और मैं केदार जी की कुछ एक और कविताएं पढ़ूंगी, उनके आखिरी जीवन में जो उनका आखिरी संग्रह आया, जब उनका आखिरी संग्रह कविताओं का राजकमल से आया था तो मैं उसके विमोचन में गई थी, उनके बच्चे आए थे, उनके बेटे, उनकी तीनों बेटियां संध्या जी और सभी, और उसमें मैं उसकी भी मैं गवाह थी, उदय प्रकाश जी का मैंने भाषण सुना और तमाम लोगों का, और ये मरणोपरांत आया संग्रह, लेकिन उससे पहले का जो आखिरी है सृष्टि पर पहरा, उसकी भी जो शीर्षक कविता है वो मैं पढ़ूंगी पर्यावरण से संबंधी, और एक और कविता है एक पेड़ के मतदान की, वो भी मैं पढ़ूंगी। इन कविताओं को याद करने से ये बहुत कठिन समय जबकि हमें लगता है कि हम कहाँ जाएं, थोड़ा आसान होता है। खर्राटे शीर्षक कविता उत्तर कबीर एवं अन्य कविताएं संग्रह से केदारनाथ सिंह। मेरी आत्मा एक घर है जहां अपने लंबे उदास खर्राटों के साथ यह दुनिया सोती है, और मैं सोता हूं उसके बाहर मैदान में। मेरी आत्मा एक घर है जहां अपने लंबे उदास खर्राटों के साथ यह दुनिया सोती है, और मैं सोता हूं उसके बाहर मैदान में, और मैदान चूँकि मैदान के बाहर कहीं नहीं जा सकता।
और मैदान चूंकि मैदान के बाहर कहीं नहीं जा सकता, इसलिए कटीली झाड़ियों पर टिका देता है सिर और एक पत्थर जैसी गरिमा और धैर्य के साथ सहता है मेरे खर्राटों को, जिन्हें गिरगिट झिंगुर सब सुनते हैं एक मुझे छोड़कर। कितनी प्यारी कविता है दोस्तों। अगली कविता का शीर्षक है कुछ टुकड़े, और देखिएगा कि टुकड़े टुकड़े में कितनी सार गर्भित बातें उस कविता में है। और उसकी अगली कविता का शीर्षक है कुछ और टुकड़े, और उसमें पिकासो भी है। टुकड़े, कुछ टुकड़े, जिससे मिलने गया था उससे मिलकर जब बाहर आया, सोचा ये जो विराट इमारत है ब्रह्मांड की, क्यों न हिला दूं इसकी कोई ईंट। इस अद्भुत विचार से रोमांचित अभी मैं खड़ा ही था कि ठीक मेरे सामने एक छोटा पत्ता टूटकर गिरा और मैंने देखा ब्रह्मांड हिल रहा है। इस कविता की दूसरी कविता है। इस कविता में कई कविताएं हैं इस श्रृंखला में। कुछ टुकड़े शीर्षक कविता में 1, 2, 3 कविताएं हैं सीरीज में। दूसरी है, इस बूढ़े भिखारी को आज भी देखा, उस बूढ़े भिखारी को आज भी देखा, पर आज उस पर दया नहीं आई, दया आई तो खुद पर, कि देखो न इस गावदी को कि 20वीं शताब्दी के इस अंतिम दशक में भी एक भिखारी पर दया करने की हिमाकत करता है। उत्तर आधुनिकता क्या है? हम बहुत इस पे बातें कर सकते हैं, और मुझे अच्छा लगता है ऐसी बातों को सोचना, विचारना, आपके साथ साझा करना, अपने समय की वेदनाओं को, उसकी विडंबनाओं को कविताओं में पढ़ना। सस्वर तीसरी, और यह तो आप जानते ही होंगे, पर मेरा दुर्भाग्य कि मैंने इतनी देर से और बस अभी अभी जाना कि मेरे समय के सबसे महान चित्र पिकासो ने नहीं, मेरी गली के एक बूढ़े रंगरेज ने बनाए थे। कला और गुमनामी, कला और शोहरत, कला और बहुत कुछ प्रचार, कला और मैं लक नहीं कहना चाहती, बहुत कुछ होता है। आज तो हम बाजार के और बहुत कुछ के एक ऐसे दौर में हैं कि वो एक अलग विवेचना है। फिलहाल कविता कुछ और टुकड़े शीर्षक, इसमें भी सीरीज में कविताएं हैं। पहली है, अकेली चुप्पी भयानक चीज है, जैसे हवा में गैंडे का अकेला सींग, पर यदि दो लोग चुप हों पास पास बैठे हुए, तो उतनी देर भाषा के गर्भ में चुपचाप बनती रहती है एक और भाषा। सुंदर कविता है, आप इसे प्रेम कविता कह लें, बिल्कुल कह लें प्रेम कविता। दूसरी, बरसों तक साथ साथ रहने के बाद जब वे विधिवत अलग हुए, तो सारे फैसले में यह छोटी सी बात कहीं नहीं थी कि जहां वे लौट कर जाना चाहते हैं वह अपना अकेलापन वे परस्पर गवा चुके हैं बरसों पहले। तो मैं वारी जाऊँ इस कविता पर दोस्तों, क्योंकि मैं तलाकशुदा हूँ, इसलिए मैं इस कविता को इस तरह से समझ सकती हूँ कि जैसे कम लोग समझेंगे। तीसरी, और मेरे साथ ये हुआ कि मुझे देश निकाला भी हो गया तलाक के बाद, यानी कि मैं लौट ही नहीं पाई अपने 6 साल पुराने अमेरिकी घर में, तो ये बात बहुत ज़्यादा हो गई। वहाँ का अकेलापन यहाँ के अकेलेपन से बहुत अंतर है, है ना। निर्मल जी की एक पंक्ति है जो मुझे बहुत प्रिय है, कि अपने शहर की चुप्पी बेगाने शहर की चुप्पी से अलग होती है। तीसरी कविता, जन्म मृत्यु सूचना के उस नए दफ्तर में पहले तय हुआ, जन्म का रजिस्टर अलग हो मृत्यु का अलग, फिर पाया गया यह अलगाव बिल्कुल बेगाने। और इस कविता को हम अभी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जब हम जन्म की नियति, उसकी विडंबना, उसकी उसके त्रास को देख रहे हैं, मजदूरों के पलायन में, कोरोना युग में सड़क पर मजदूर। अगली कविता का शीर्षक है दृश्य युग 1।
मन हुआ चुप रहूं, फिर कुछ मिनट बाद चुप्पी खलने लगी। फिर किसी ने मेरे अंदर जैसे गाने की जिद की, यह कोई अन्य था जिसे मैं जानता नहीं था पर छू सकता था। फिर यह सच कि छूना हाथ का अपना एक अधिकार है, जीभ के प्रतिवाद से निरस्त हो गया। फिर एक विवाद शुरू हुआ समूचे शहर में, स्वाद और ध्वनि और दृश्य और स्पर्श के बीच। और इस पूरी युद्ध भूमि में स्पर्श का भयानक अकेलापन मैंने देखा और इस पूरी युद्ध भूमि में स्पर्श का भयानक अकेलापन मैंने देखा और जब देखा न गया तो एक कवच की तरह उसी को पहनकर चला गया दफ्तर। और दोस्तों, दृश्य युद्ध, टैंजिबल इंटैंजिबल, जिसे हम छू सकते हैं जिसे हम नहीं छू सकते, कौन हमारे ज़्यादा करीब होता है, बहुत कुछ है। जैसे हम खुशबू को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम उसे छू नहीं सकते, लेकिन खुशबू हमारी आंतरिक अनुभूतियों में बहुत महत्वपूर्ण है। दृश्य युग दो, उसे देखकर कहना भूल गया एक बात थी जो तभी भूल गई थी जब चला था घर से, और फिर कई दिनों तक याद रहा वही एक भूलना जो बाद में पता चला एक चेहरा था जो न जाने कब देखने के जल में चुपचाप घुल गया और बचा रहा देखना जिसमें मिलना छूना सूंघना चाहना सब खुलते गए धीरे धीरे। ये हो सकता है कि किसी प्लेटोनिक नॉन प्लेटोनिक लव का भी वर्णन हो, है ना। और एक बहुत पुराना गीत मुझे याद आ रहा है कि हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो। और दोस्तों, अगली कविता का शीर्षक है लय भंग, केदारनाथ सिंह की उत्तर कबीर एवं अन्य कविताओं से। जब सुबह सुबह सूरज जलाता है अपना स्टोव, सूरज का स्टोव हमारे चूल्हे से ही पहले जलता है। जब सुबह सुबह सूरज जलाता है अपना स्टोव और आदमी अपनी बीड़ी, तो कितना अजब है कि दोनों को यह पता नहीं होता कि असल में यह एक बेचैन सी कोशिश है उस संवाद को फिर से शुरू करने की जो एक शाम चलते चलते सदियों पहले कहीं बीच रास्ते में टूट गया था। लय भंग कविता थी यह उत्तर कबीर एवं अन्य कविताओं से। आशा है कि आपको मेरा पाठ पसंद आएगा। धन्यवाद। केदार जी हमारे समय के बहुत बड़े कवि, सप्तक से शुरू होकर वो इटली की बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं तक पहुँचे, बहुत सी कविताएं उनकी इतालवी में अनुवादित हुई और हम सबको वो अपनी कविताओं से आज भी रोमांचित करते हैं। तो मित्रों, आशा है कि आपको अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब।